हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर्स। आज हम मिड सेशन टेस्ट सीरीज फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टेस्ट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं हम। ए वायर इलॉन्गेट बाय एलएमएम व्हेन ए लॉट डब्ल्यू इज हैंग्ड फ्रॉम इट। इफ द वायर गोज ओवर ए पुली एंड टू वेट डब्ल्यू ईच आर बीइंग एट टू एंड्स, द इलॉन्गेशन ऑफ द वायर इन एमएम विल बी। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि किसी तार पर W भार लटकाने पर उस तार में LMM की वृद्धि होती है, L मिलीमीटर की वृद्धि होती है। यदि इस तार को किसी पुली पर से या घिरनी से होते हुए निकाला जाए और इसके दोनों एंड्स पर W वेट लटकाया जाए तो इसमें होने वाला वृद्धि कितना होगा। देखिए, मुझे पता है कि अगर मैं पुली से होते हुए अगर दोनों एंड्स पर अगर W वेट लटकाता हूं तो W वेट लटकाने पर आप देखेंगे कि दोनों कंडीशंस के अंदर लगने वाला वेट है जो सेम है। वेट सेम होने की वजह से इसमें जो होने वाली वृद्धि होगी, तार में होने वाली वृद्धि होगी, ये सेम होगी। इट्स सी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में द स्ट्रेस वर्सेज स्ट्रेन ग्राफ्स फॉर वायर्स ऑफ टू मेटेरियल्स ए एंड बी शोन इन द फिगर। इफ वाई ए एंड वाई बी आर द यंग मॉडुलस कॉन्स्टेंट, देन वॉट विल बी द मेटेरियल रिलेशन, मुझे बताना है वाई ए और वाई बी के अंदर। ठीक है, दो पदार्थ ए और बी जिनके तार के प्रतिबल और विकृति ग्राफ हमें दिए गए हैं, जिनके यंग मॉडुलस कॉन्स्टेंट वाई और वाई ए और वाई बी में रिलेशन किस तरह से होगा। देखिए, मुझे पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, इसका रेशियो यंग मॉडुलस कांस्टेंट वाई के बारे में बताता है। देखिए, स्ट्रेस और स्ट्रेन के ग्राफ में जो ये स्लोप है, ये स्लोप मुझे यंग मॉडुलस कांस्टेंट वाई के बारे में बताएगा। देखिए, मटेरियल ए के बारे में अगर मैं बात करूं तो मटेरियल ए का यंग मॉडुलस कांस्टेंट होगा वाई ए इज इक्वल टू 10 60 डिग्री। ठीक है, और यंग मॉडुलस कांस्टेंट वाई बी इज इक्वल टू होगा 10 30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं रिलेशन निकालना चाहूं वाई ए और वाई बी में तो वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 10 60 का वैल्यू मैं पुट करता हूं अंडर रूट 3, 10 30 का वैल्यू पुट करता हूं मैं 1/√3, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 3। तो मेरे पास आंसर होगा वाई ए इज इक्वल टू 3 वाई बी। ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे हम। A liquid does not wet the sides of a solid if the angle of the contact is। यदि कोई द्रव किसी ठोस की भुजाओं को गीला नहीं करता है तो उसके लिए संपर्क कोण कितना होगा। देखिए, अगर कोई लिक्विड किसी द्रव की सतह को गीला नहीं कर रहा है तो उसका कॉन्टेक्ट एंगल, संपर्क कोण 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे हम। यहां क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम इन द कैपिलरी ऑन द सरफेस ऑफ द मून इफ इट इज एच ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी केज नली में पृथ्वी की सतह पर हाइट एच है तो इसकी हाइट मून पर कितनी होगी। देखिए, कैपिलरी की हाइट के लिए फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू 2T/ρ r g। जो हाइट है एच इज इनवर्सली रिलेशन होता है जी के साथ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ। ठीक है, अब अगर हाइट मुझे मून पर निकालना है तो ग्रेविटेशन होता है अर्थ का 1/6, जी बाई 6। ठीक है, तो हाइट विल बी 6 × h। अगर मेरे पास जी का वैल्यू 1/6 होता है तो हाइट 6 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए सॉफ्ट फिल्म इज स्लोली ब्लोन अंडर isothermal condition in air at NTP to a radius capital R. How much work is done? Surface tension of the film is T. साबुन की एक फिल्म को NTP पर हवा में समतापी अवस्था में कैपिटल आर त्रिज्या तक धीरे धीरे फुलाया जाता है। यदि फिल्म का पृष्ठ तनाव कैपिटल T हो तो कितना कार्य किया जाएगा। देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू 2T × ∇A। ठीक है, 2T साबुन की फिल्म के लिए सरफेस टेंशन 2 टाइम्स होता है। ठीक है, 2T into
एरिया कितना है इसका, W इज इक्वल टू 2T इंटू डेल A, 2T एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो इसका वर्क डन होगा 8T इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट इन फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम, एक क्लोज सरफेस, एक क्लोज रेक्टेंगुलर टैंक इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली विद एन एक्सेलरेशन इट टुवर्ड्स राइट, प्रेशर इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट। एक बंद आयताकार टैंक पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और त्वरण के साथ क्षैतिज दिशा में दाहिनी ओर त्वरित है, तब अधिकतम दाब और न्यूनतम दाब कहां होगा। देखिए, मुझे पता है प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, जिस पॉइंट पर हाइट जितना ज्यादा होगा लिक्विड की वजह से प्रेशर वहां उतना ज्यादा होगा, और हाइट कम होने पर प्रेशर कम होगा। अगर लिक्विड का फ्लो इस डायरेक्शन के अंदर है, राइट डायरेक्शन के अंदर है, तो पीछे की तरफ प्रेशर कम होता जाएगा और आगे की तरफ प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अब देखिए कि पॉइंट बी है, पॉइंट बी पर मेरे पास मैक्सिमम हाइट पर और ये पीछे की तरफ है, तो यहां का जो प्रेशर है मैक्सिमम होगा, बी पॉइंट पर प्रेशर विल बी मैक्सिमम एंड ऑन द पॉइंट सी प्रेशर विल बी मिनिमम। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट इन दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लो थ्रू ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब शोन इन द फ्लोइंग फिगर, देन द वेलोसिटी वी ऑफ द फ्लूइड इज। देखिए, मेरे पास फिगर गिवन है, इस फिगर में वेलोसिटी है इस ट्यूब की यहां से वाटर की 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये फ्लूइड आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यहां का एरिया ए है, यहां का एरिया 1.5 a है। ठीक है, पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट विल बी द वेलोसिटी वी, मुझे इस वेलोसिटी वी के बारे में बताना है। देखिए, मुझे पता है फॉर्मूला ए वी इज इक्वल टू ए वन वी वन प्लस ए टू वी टू, ए एरिया ऑफ दिस ट्यूब एंड वेलोसिटी ऑफ देयर, ए वन यहां का एरिया, वेलोसिटी यहां की लिखेंगे अपन, सेकेंड एरिया यहां का और वेलोसिटी यहां की। तो देखते हैं अपन, यहां का एरिया गिवन है ए, वेलोसिटी है मेरे पास 3। ठीक है, इज इक्वल टू यहां का वेलोसिटी गिवन है मेरे पास 1.5 इंटू एरिया है ए, यहां का वेलोसिटी वी मुझे फाइंड आउट करना है और यहां का एरिया है 1.5 इंटू ए। देखिए, अगर मैं यहां से ए कॉमन लेकर कैंसिल करता हूं तो दिस विल बी 3 1.5 एंड हेयर विल बी 1 प्लस वी। ठीक है, कैंसिल किया अपन ने तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस वी। ठीक है, तो अब देखिए वी का वैल्यू कितना आया, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट इन दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन फॉर लिक्विड फ्लो इज फाउंड इन, तरल प्रवाह के लिए बर्नौली समीकरण का कौन सा एप्लीकेशन दिया हुआ है। देखिए, ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, हवाई जहाज की जो डायनामिक लिफ्ट होती है, ये बर्नौली प्रमेय पर, बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अज्यूमिंग नो हीट लॉसेस द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ एक्स ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट वाई ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज। देखिए, हमें बताया गया है कि एक्स ग्राम कोई भाप है जो जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इस भाप का उपयोग किया जा रहा है बर्फ को पिघलाने में। ठीक है, और बर्फ का जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस तक लाना है मुझे। ठीक है, तो एक्स और वाई का रेशियो निकालना है। देखिए, हम मान के चलते हैं यहां पर मेरे पास जो भाप है इसका मास है एक्स, और मेरे पास जो बर्फ थी इसका मास मान लेता हूं मैं वाई। ठीक है, अब देखिए, जब भाप पिघलती है तो इसकी लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट के थ्रू कितना इसने हीट गिवन किया, तो मैं लिखता हूं एक्स इंटू 540 एंड दिस हीट विल यूज्ड
ये हीट कहां काम आएगी, बर्फ को पिघलाने में, और जब वो बर्फ पानी बनती है उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में। देखिए आप देखेंगे कि बर्फ की जो लेटेंट हीट होती है 80 होती है, मैंने यहां का मास वाई माना है, प्लस इसका टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। तो एमएस डेल्टी फॉर्मूले से मैं लिखता हूं वाई इसका मास है, स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए 1 होगा और टेम्परेचर इसका 100 होगा। ठीक है, तो आप देखिए यहां से अपन कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, तो y कॉमन ले लिया जाता है यहां पर, ये हुआ 180 और दिस विल बी 540 इनटू x, कैंसिल करते हैं बेटा, तो x और y का जो रेशियो आएगा वो 1:3 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन 9th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 0 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ का घनत्व 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और 100 डिग्री सेल्सियस पर 9.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। देखिए रेखीय प्रसार गुणांक घनत्व के लिए मैं बात करता हूं टेम्परेचर रिलेशन, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा टी। देखिए बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व दिया हुआ है मुझे 10 और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेरे पास गिवन है 9.7। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस अल्फा टी का वैल्यू कितना गिवन है 100। ठीक है, अपन यहां से अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास 10 की पावर माइनस का 4 आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस बड़ी इजी है, आप कर लीजिए, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट इन दिस ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इन ए वॉटरफॉल द वॉटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 mm, इफ द एंटायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वॉटर इज कन्वर्टेड इन टू हीट, द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वॉटर विल बी। एक पानी का झरना है, 100 मीटर ऊंचाई से पानी का झरना गिरता है, और यदि पानी की संपूर्ण गतिज ऊर्जा ऊष्मा में कन्वर्ट हो रही है तो तापमान में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए बेटा जब पानी 100 मीटर हाइट से गिरता है तो 100 मीटर हाइट से गिरने पर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ या काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, mgh। ठीक है, m का वैल्यू मेरे पास गिवन नहीं है, g मेरे पास 10 रखता हूं मैं, और h का वैल्यू कितना है 100। बेटा ये टोटल एनर्जी जूल के अंदर है। ठीक है, और ये एनर्जी कहां काम आएगी, ये टेम्परेचर बढ़ाने के लिए काम आ रही है, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं ms into delta। मुझे गिवन है मास, देखिए मास यहां कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी मेरे पास आई, ये एनर्जी तो मास m कैंसिल हो गया, मेरे पास जीरो एच का वैल्यू मैंने पुट किया, ये एनर्जी मेरे पास जूल के अंदर आई। अब इस एनर्जी को मुझे कैलोरी में कन्वर्ट करना है, या फिर मेरे पास जो स्पेसिफिक हीट है कॉन्स्टेंट है इसका वैल्यू मैं जूल के अंदर पुट करता हूं। तो बेटा देखिए मैं s का वैल्यू पुट करता हूं 420, क्योंकि मेरे पास इसको मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, तो डेल्टी विल बी 1000 अपॉन 4200, तो डेल्टी का वैल्यू मेरे पास आएगा 0.23 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन 11th ऑप्शन, 0.23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, स्टीम इज पास्ड इनटू 22 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, द मास ऑफ वाटर दैट विल बी प्रेजेंट व्हेन द वाटर एक्वायर्स ए टेम्परेचर एट 90 डिग्री सेल्सियस। स्टीम का लेटेंट हीट मुझे गिवन है। ठीक है, देखिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 22 ग्राम जल को स्टीम की वजह से हीट मिल रही है, और उस 22 ग्राम जल का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, क्वेश्चन में गिवन है, तो अब जल की मात्रा कितनी होगी। देखिए बेटा मेरे पास 22 ग्राम जल दिया हुआ है, जल का वेट है मेरे पास m इज इक्वल टू 22 ग्राम। ठीक है, अब बेटा इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ms डेल्टी से निकालूंगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए मुझे कितना हीट निकला, ms डेल्टी, m का वैल्यू है 22, s का वैल्यू गिवन होता है वाटर के लिए 1, और डेल्टी है मेरे पास 90 माइनस 20। ठीक है, और ये वैल्यू, ये हीट मुझे कहां से अब्सॉर्ब हुई, ये मुझे स्टीम से मिली है, भाप से मिली है। अब देखिए
अब भाप भी 90 डिग्री सेल्सियस पर आ रही है, ठीक है, भाप वाटर में कन्वर्ट हो रही है और वाटर 100 डिग्री सेल्सियस का 90 डिग्री में आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो मेरे पास जल है 90 डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है, मतलब स्टीम जो कि पानी के अंदर कन्वर्ट हुई है और पानी जो कि 90 डिग्री सेल्सियस पे जा चुका है, दोनों का कॉमन टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो देखिए ms delta, तो मैं यहां लिखूंगा m into lv, ठीक है, प्लस मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है कुछ भाप यदि जल, ठीक है, m into lv प्लस m into s delta, ठीक है। अब देखिए m का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है, lv कितना होता है 540 प्लस m into s का वैल्यू कितना होता है वाटर के लिए 1, और वाटर का टेम्परेचर अब 100 डिग्री से 90 डिग्री तक आ रहा है, तो 100 माइनस 90, ठीक है। अब देखिए इसको अपन अगर कैलकुलेट करते हैं तो बड़ा इजी वे के अंदर मैं m का वैल्यू फाइंड आउट करता हूं, वो आता है 2.8 ग्राम, ठीक है, मतलब 2.8 ग्राम वो भाप है, वो स्टीम है जो पानी के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर कितना है भाप का जो पानी में कन्वर्ट हो चुका है 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब देखिए तो पानी का टोटल मास कितना हुआ, तो टोटल मास हुआ पानी का m डैश इज इक्वल टू 22 ग्राम ऑलरेडी प्रेजेंट था और 2.8 ग्राम वो पानी है जो भाप से पानी के अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो 24.8 ग्राम विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, द ग्राफ ए बी शोन इन द फिगर इज प्लॉट ऑफ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट, देन देखिए मेरे पास डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में ग्राफ गिवन है तो इसका स्लोप पूछा गया है। देखिए बड़ा कॉमन सवाल है, रिलेशन मुझे पता है, यहां ग्राफ से अगर निकालता हूं सी बाई फाइव इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन एन। अब देखिए सी का वैल्यू होगा 5 एफ बाई 9 माइनस 32 बाई 9, ठीक है। आप देखेंगे कि इसका जो स्लोप आया है सेल्सियस और फॉरेनहाइट में ग्राफ बनाया, ठीक है, तो इसका जो स्लोप आया है वो 5 बाई 9 आया है, तो रेखा का ढाल कितना होगा 5 बाई 9, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ए स्टील रॉड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर इज क्लैंप्ड फर्मली एट ईच एंड when it is its temperature is 25 degree celsius so that it cannot contract on cooling, the tension in the rod at 0 degree celsius, alpha ka value given hai aur young modulus y ka value given hai, theek hai beta, is question mein pucha gaya hai ki mere paas koi steel chhad hai aur dono siron par kasi hui hai, theek hai, uska tapman 25 डिग्री सेल्सियस है और उसका व्यास मुझे गिवन है, ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका तनाव क्या होगा। देखिए मुझे पता है टेंशन फोर्स तनाव इज इक्वल टू होता है वाई ए इंटू एल्फा इंटू डेल्टी, ठीक है। देखिए बेटा यंग मॉडुलस वाई का वैल्यू कितना गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 11, ठीक है, ए का वैल्यू कितना गिवन है, ए का वैल्यू देखो डायमीटर दिया हुआ है मेरे पास 1 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो एरिया होगा पाई इनटू आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का वैल्यू कितना है 3.14, ठीक है। अब इस सेंटीमीटर को मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो लिखूंगा मैं 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस एरिया की जो वैल्यू है मैं यहां पुट करता हूं, ठीक है, ये जो एरिया है इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन 3.14 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अल्फा का वैल्यू गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 5, ठीक है, मल्टीपल में टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है 0 डिग्री सेल्सियस टू 25, तो इसका वैल्यू होगा 25। तो आप देखेंगे कि जो मेरे पास टेंशन या फोर्स आएगा इसका वैल्यू कैलकुलेट करने पर 3925 आएगा, ठीक है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वी हैव ए जार ए
filled with the gas characteristic by parameter PVT and the another jar B filled the parameters is given. ठीक है, the ratio of the numbers of the molecules of jar A to B. देखिए मेरे पास दो जार हैं A and jar B. ठीक है, अब जार A के अंदर जो parameters हैं प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जार B के अंदर प्रेशर है 2P, वॉल्यूम है V by 4 एंड टेम्परेचर है 2T. द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT से अपन देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू N इज इक्वल टू PV अपॉन RT. ठीक है, तो आप देखिए नंबर ऑफ मोल्स यहां होंगे N इज इक्वल टू PV अपॉन R की वैल्यू कांस्टेंट है अपॉन T. ये नंबर ऑफ मोल्स एन ए मान लो आप, यहां नंबर ऑफ मोल्स एन बी कितना होगा 2P इंटू V का वैल्यू कितना है V by 4, टेम्परेचर है 2T. आप देखेंगे यहां पर नंबर ऑफ मोल्स एन ए और एन बी का जो रेशियो होगा अपन कैलकुलेट करेंगे तो 4:1. बड़ा इजी है, अपन नंबर ऑफ मोल्स एन ए एन बी का रेशियो निकालते हैं तो 4:1 मुझे मिलता है. तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट. नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं हम. एट रूम टेम्परेचर द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सर्टेन डायटोमिक गैस इज फाउंड टू बी 90-20 मीटर पर सेकेंड द गैसेस. किसी कमरे के ताप पर द्विपरमाणिक गैस की वर्ग माध्यमूल चाल गिवन है मुझे, तो वह गैस कौन सी होगी. देखिए किसी भी गैस की वर्ग माध्यमूल चाल वी आर एम एस का मान होता है अंडर रूट 3 RT अपॉन एम. ठीक है, वी आर एम एस गिवन है 90-20 3, R का वैल्यू पुट करता हूं मैं 8.3, T का वैल्यू गिवन मुझे है रूम टेम्परेचर पर 300 अपॉन M का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है. तो देखिए बेटा M का वैल्यू अपन कैलकुलेट करते हैं तो M का वैल्यू मुझे मिलता है 2 ग्राम. तो आप देखेंगे कि कौन सी गैस का जो मास है डायटमिक के लिए 2 ग्राम होगा, तो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का मास 2 ग्राम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज फ्रॉम 120 केल्विन टू 480 केल्विन इफ एट 120 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज गिवन वी, देन इट विल बी द ऑन 420 केल्विन. देखिए मुझे पता है जो वी आर एम एस वैल्यू होती है अंडर रूट टी के प्रपोर्शन में होती है. लास्ट फॉर्मूले में हमने पढ़ा वी आर एम एस वैल्यू होती है अंडर रूट टी के प्रपोर्शन में होती है. अब देखिए कि इसका टेम्परेचर जब गिवन है मेरे पास 120 केल्विन, ठीक है, देखिए 120 केल्विन टेम्परेचर गिवन है तो वेलोसिटी है v, ठीक है. अब मेरे पास टेम्परेचर हो रहा है 480, तो मेरे पास वेलोसिटी कितनी होगी. ठीक है, ये मान लेता हूं वेलोसिटी मेरा है v डैश मान लेता हूं. ठीक है, तो v अपॉन v डैश अंडर रूट लेता हूं तो बेटा देखिए इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 120 अपॉन 480 कैंसिल किया 1/4, तो 1/4 का अंडर रूट आता है 1/2. तो आप देखेंगे कि जो v डैश का वैल्यू है वो मुझे 2v मिलता है. ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, 17 में ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में डिस्कस किया है इफ प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेन्ड इन ए क्लोज वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.5% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस द इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी. देखिए मुझे पता है कि जो प्रेशर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है 0.4%. ठीक है, तो मैं लिखना चाहूंगा 0.4 अपॉन 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है 1 अपॉन टी. ठीक है, तो आप टेम्परेचर देखो कैलकुलेट करेंगे अपन तो टी का वैल्यू कितना आएगा 250 केल्विन. ठीक है, तो ऑप्शन वन विल बी करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे हम. टू डबल द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस कीपिंग द प्रेशर कॉन्स्टेंट वन मस्ट रेज द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. देखिए दाब को नियत रखते हुए किसी दिए गए द्रव्यमान की आदर्श गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन दुगना करने के लिए. ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा. मुझे पता है वॉल्यूम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू
एनआरटी से, ठीक है। आप देखेंगे दाब को नियत रखा गया है, अगर दाब को नियत रखा जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर किस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के अंदर होगा, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर आयतन को दुगना किया जा रहा है, ठीक है। 3 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास वॉल्यूम है इसका V, इट मींस मैं केल्विन में बात करूं कि 30 केल्विन पर इसका वॉल्यूम है V। अगर इसका वॉल्यूम डबल किया जा रहा है, वॉल्यूम 2V हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर माना जाता है T। तो बेटा अपन T का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, T का वैल्यू आता है 600 केल्विन, T का वैल्यू 600 केल्विन मुझे मिलता है। इसको अगर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 600 - 273, तो मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट होता है 327। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन द 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गैस एट अ प्रेशर पी नॉट इज कंटेन्ड इन अ वेसल इफ द मासेस ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स आर हाफ एंड देयर स्पीड आर डबल, द रिजल्टिंग प्रेशर पी विल बी। किसी पात्र में गैस पी नॉट दाब पर है, यदि सभी अणुओं के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए और उनकी चाल दुगनी कर दी जाए तो परिणामी दाब क्या होगा। देखिए प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर पी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन अपॉन वी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। किसी पात्र में दाब पी नॉट है, यदि सभी अणु के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए, अणु का द्रव्यमान 1/3 आधा कर दिया जाए, यानी एम बाई टू कर देते हैं अपन, ठीक है, इनिशियल पी नॉट प्रेशर, ठीक है, और इसकी चाल दुगनी कर दी जाए 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, 2c का होल स्क्वायर, तो अपन देखेंगे तो नया प्रेशर मेरे पास पी डैश आएगा, वो कितना आएगा 1/3 एम इंटू एन इंटू अपॉन में वी इंटू सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4/2, तो कितना आ गया पी डैश इज इक्वल टू 2p0, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, नया प्रेशर मेरे पास डबल हो जाएगा पुराने वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, 1 किलोग्राम ऑफ डायएटॉमिक गैस इज एट ए प्रेशर ऑफ दिस, द डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी गिवन है मेरे पास, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द गैस ड्यू टू इट्स थर्मल मोशन, ठीक है, थर्मल मोशन के कारण मेरे पास जो एनर्जी आएगी, काइनेटिक एनर्जी, उसका वैल्यू होगा 1/3 इंटू एम इंटू सी स्क्वायर, ओके। अब देखिए बेटा मास कितना गिवन है मेरे पास, मास गिवन है 1 किलोग्राम, तो मास का वैल्यू पुट करता हूं 1, सी का वैल्यू कितना है मेरे पास, देखिए बेटा अभी अपन ने लास्ट फॉर्मूले में हम डिस्कस किया प्रेशर पी इज इक्वल टू 1/3 एम इंटू एन अपॉन वी इंटू सी स्क्वायर, तो प्रेशर पी इज इक्वल टू 1/3 एम एन का वैल्यू रो अपॉन वी, सॉरी मैंने एम एन अपॉन वी कितना हो गया रो इंटू सी स्क्वायर, या कुछ नहीं है। तो देखिए बेटा सी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3p अपॉन रो, ठीक है। तो सी स्क्वायर का वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां, कितना आएगा 3p अपॉन रो, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं अपन 1/2 इंटू 1/3, प्रेशर कितना गिवन है मेरे पास, प्रेशर गिवन है 8 × 10⁴, ठीक है। रो कितना गिवन है मेरे पास 4 किलोग्राम, ठीक है बेटा। इस तरह से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो कितना आता है 21 में 3 × 10⁴ जूल, ठीक है बेटा, इजी कैलकुलेशन है, अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते हैं हम, इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज मिक्स विद 1 मोल डायएटॉमिक गैस, दोनों के लिए गामा के वैल्यू हमें पता है, मोनोएटॉमिक के लिए कितना होता है और डायएटॉमिक के लिए कितना होता है, तो मिक्स करने पर मिक्सचर का गामा का वैल्यू क्या होगा। देखिए फॉर्मूला लिखता हूं मैं, N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। आप देखेंगे कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, दोनों के लिए कितना है 1 1 है, तो लिखूंगा 1 प्लस 1 2 अपॉन मिक्सचर का गामा है गामा माइनस 1 इज इक्वल टू, इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स 1, गामा 1 का वैल्यू है मेरे पास 5/3 माइनस 1 प्लस 1, ये गामा सेकंड के लिए कितना है 7/5 माइनस का 1। तो बेटा इस तरह से अपन सॉल्व करते हैं तो गामा का वैल्यू मुझे मिलता है, गामा मिक्सचर का जो वैल्यू मिलता है वो मिलेगा 3/2, इट मींस सेकंड ऑप्शन 1.5 विल बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इन डायटोमिक गैस इज हीटेड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी इज यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी इज। देखिए किसी द्विपरमाणु गैस को नियत दाब पर गर्म किया जाता है तो ऊष्मीय ऊर्जा का वह अंश जो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के काम आता है। देखिए तो ऊष्मीय ऊर्जा का वह अंश फ्रैक्शन जो होता है वो इनवर्स रिलेशन रखता है गामा के साथ। ठीक है, अब देखिए बेटा ये डायटोमिक गैस है, द्विपरमाणविक गैस है, तो द्विपरमाणविक गैस के लिए गामा का वैल्यू कितना होता है? गामा होता है 7/5। तो इसके लिए फ्रैक्शन कितना होगा? फ्रैक्शन होगा 5/7। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में हमें टी और पी के बीच ग्राफ दिया हुआ है और इनका जो स्लोप दिया हुआ है जो वॉल्यूम के बारे में बता रहा है। क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें बताना है कि किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और किसका वॉल्यूम कम होगा। देखिए मुझे पता है आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहूं टी अपॉन पी इज इक्वल टू टी अपॉन पी इज इक्वल टू वी, यानी टी और पी का जो स्लोप है या टेन थीटा है किसके बारे में बताता है? वॉल्यूम्स के बारे में बताता है। अब इस ग्राफ के अंदर जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम V2 है इसके लिए एंगल ज्यादा है और वॉल्यूम V1 है इसके लिए एंगल कम है। तो मुझे पता है इसका V2 का स्लोप ज्यादा है और V1 का स्लोप कम है, इसलिए V2 इज ग्रेटर देन V1। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, वन मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेरिक फ्रॉम 0 केल्विन टू 100 केल्विन। इफ द गैस कॉन्स्टेंट आर इज टेकन एज दिस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज अप्रोक्सीमेटली। देखिए क्वेश्चन में गिवन है एक मोल एक परमाणु गैस का ताप 0 से 100 केल्विन तक बढ़ाया जाता है, यदि गैस का नियतांक है तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? देखिए आंतरिक ऊर्जा डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है? 1। ठीक है, सीवी की वैल्यू पुट कर सकता हूं मैं 3/2 इंटू आर। ठीक है, डेल्टी का वैल्यू कितना गिवन है मेरे पास? 0 से 100 केल्विन है तो डेल्टी का वैल्यू हो गया 100। ठीक है, 1 इंटू 3/2 आर का वैल्यू है 8.3 इंटू 100। तो इस तरह से वैल्यू को अपन कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 1.25 इंटू 10 की पावर 3 जूल। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द पीवी डायग्राम ऑफ द प्रोसेस ऑन ए सिस्टम इज शोन इन द फिगर, ड्यूरिंग द प्रोसेस द वर्क डन बाय द सिस्टम इज। देखिए एरिया अंडर द कर्व पीवी। ठीक है, ये जो एरिया है किसके बारे में बताएगा? पी डॉट डीवी मुझे वर्क के बारे में बताएगा। आप देखेंगे कि इस फंक्शन के अंदर जो ग्राफ है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इसका वर्क डन कंटिन्यूअसली बढ़ेगा। अब देखिए कई बच्चों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि सर ये प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से ये घटना चाहिए था। नहीं, देखेंगे वर्क डन में हम सिर्फ क्या देखते हैं? डेल वी के चेंज देखते हैं, वॉल्यूम में चेंज देखते हैं। वॉल्यूम में चेंज अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो वर्क डन मेरा कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, P देखिए ऑब्वियसली बात है कि P डिक्रीज हो रहा है लेकिन P के घटने बढ़ने से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ P के घटने या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, सतत रूप से बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एन आयरन ब्लॉक कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस इन द टाइम इज गिवन दिस। टी टू टाइम के लिए इतना टाइम लग रहा है, टी वन के लिए इतना लग रहा है और टी थ्री के लिए गिवन है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक लोहे का एक रॉड है, एक पिंड है, जब वो 100 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिरता है तो इसको टाइम लगता है T1, और जब इसको 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर गिरता है तो टाइम लगता है T2, और जब 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर गिरता है तो टाइम लगता है T3। क्वेश्चन में गिवन है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा टाइम ज्यादा होगा। देखिए मुझे पता है जो शीतलन की दर होता है, जैसे कोई पदार्थ अगर ठंडा होता है
तो जैसे जैसे वो वातावरण के अनुकूल होता जाता है, उसका टेम्परेचर गिरता है, तो उसके ठंडे होने की जो दर है वो बढ़ती जाती है। इट मैं कहना चाहूंगा कि जो जैसे जैसे वो ठंडा होता जाएगा तो उसमें ठंडा होने के लिए उतना ही ज्यादा टाइम लेता जाएगा। जैसे 100 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस तक अगर इसका तापमान गिरता है तो ये बहुत जल्दी हीट को लॉस करेगा, तो ये टाइम बहुत कम होगा। जैसे ये 90 से 80 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो ये और ज्यादा समय लेगा, और 80 से 70 पे आता है तो ये और ज्यादा टाइम लेगा। तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, T3 का टाइम सबसे ज्यादा होगा, T2 का टाइम इससे कम होगा और T1 का टाइम सबसे कम होगा। जैसे जैसे ये एनवायरमेंट के टेम्परेचर के पास आता जाता है, ये ठंडा होने में उतना ही ज्यादा टाइम लेने लगता है। इट मीन्स जिसका टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही कम टाइम लेगा। ठीक है, तो आप देखिए ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 28, इन द फिगर 3 आइसोथर्मल प्रोसेस आर शोन इन द फिगर द सेम गैस एंड फॉर सेम चेंज इन द वॉल्यूम। ठीक है, इफ डेल क्यू वन डेल क्यू थ्री एंड डेल क्यू टू डेल क्यू टू एंड डेल क्यू थ्री आर द हीट ट्रांसफर्ड इन द रेस्पेक्टिव प्रोसेस देन। देखिए मुझे इसमें हीट का प्रोसेस का ऑर्डर बताना है। देखिए तो हीट गिवन डेल क्यू इज इक्वल टू होता है डीयू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आप देखेंगे कि पीवी कर्व है, तो पीवी कर्व में एरिया अंडर द कर्व किसके बारे में बताता है? एरिया अंडर द कर्व बताता है वर्क के बारे में। ठीक है, अब बेटा ये प्रोसेस कौन सा है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल के प्रोसेस के लिए डीयू कितना होता है? 0 होता है। तो मेरे पास वर्क डन डायरेक्टली डिपेंड करेगा हीट गिवन। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो एरिया है 1 के लिए है, सेकेंड 2 के लिए है, फिर 3rd के लिए है। तो आपको पता होगा W1 ज्यादा होगा, W2 इससे कम होगा और W3 सबसे कम होगा। इसी तरह से Q1 लेस देन Q2 लेस देन Q3। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट 28 में सेकंड। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, 29 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी रुद्धोष्म क्रम में गैस का दाब उसकी परम ताप के तृतीय घात के समानुपाती है। देखिए प्रेशर समानुपाती है ताप की तीसरी घात के। ठीक है, तो बेटा अपन इसे लिख सकते हैं P, इस तरह ट्रांसलेट करेंगे P T की पावर -3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए मेरे पास रिलेशन होता है T और P में। T की पावर गामा, P की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अपन इसे लिख सकते हैं T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा इंटू P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आप देखेंगे इस इक्वेशन को मैं यहां से कंपेयर करता हूं। देखिए T की पावर -3 है या T की पावर गामा अपॉन 1 माइनस गामा है। तो देखिए बेटा -3 इज इक्वल टू गामा अपॉन 1 माइनस गामा। देखिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, -3 प्लस 3 गामा इज इक्वल टू गामा। तो इस तरह से अपन गामा का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, गामा का वैल्यू मुझे मिलता है 3/2। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द पीवी डायग्राम ऑफ ए सिस्टम अंडर गोइंग ए थर्मोडायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन इज शोन इन द फिगर। द वर्क डन बाय द सिस्टम इज गोइंग गोइंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी। और इसका जो मेरे पास 30 जूल और 40 जूल, क्या गिवन है? तो वर्क डन गिवन है 30 जूल और इसका जो टोटल हीट गिवन है वो 40 जूल है। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बिटवीन द ए एंड सी इज। देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट इक्वेशन से मैं देखता हूं डेल क्यू कितना गिवन है बेटा? 40 जूल। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, देखिए इंटरनल एनर्जी डी मुझे कैलकुलेट करना है, प्लस डेल डब्ल्यू कितना गिवन है? 30 जूल। तो बेटा डीयू का वैल्यू कितना होगा? 40 माइनस 30 इट विल बी 10 जूल। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे। 2 किलो मोल ऑफ हाइड्रोजन एट एनटीपी एक्सपेंस आइसोबारिकली टू ट्वाइस इट्स इनिशियल वॉल्यूम। देखिए बेटा 2 किलो मोल हाइड्रोजन गिवन है, मुझे पता है 1 मोल हाइड्रोजन में कितना मास होता है? 2 ग्राम। तो बेटा 2 किलो मोल है, 2000 मोल का जो मास होगा कितना होगा? 2 into 2000 it will be
4000 ग्राम विल बी, ठीक है, या फिर मैं पुट कर सकता हूं कि 2 किलो मोल हाइड्रोजन में जो मास होगा 4 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, मुझे निकालना है चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, तो बेटा देखिए डेल यू इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है एन सी वी इंटू डेल टी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस के अंदर मेरे पास जो सीवी का वैल्यू गिवन है, सीवी का वैल्यू गिवन है किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन के अंदर, ठीक है। तो अब बेटा इसलिए मैं एन की जगह यहां पुट कर सकता हूं फॉर्मूले में एम इंटू सीवी इंटू डेल टी, ठीक है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स 2 किलो मोल्स हैं, इसके लिए मास 4 किलोग्राम गिवन है, तो मास का वैल्यू पुट किया 4, सीवी का वैल्यू कितना गिवन है 10, ठीक है। चेंज इन द टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, देखिए मुझे पता है कि इसका वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो वॉल्यूम अगर डबल है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टी, अगर वॉल्यूम डबल हो रहा है तो टेम्परेचर में चेंज भी कितना होगा, डबल होगा, तो टी का वैल्यू पुट करता हूं मैं 2, ठीक है। अब बेटा जो ये मेरे पास आंसर आएगा ये आएगा किलो जूल के अंदर, क्योंकि मेरे पास सीवी का वैल्यू किलो जूल के अंदर दिया हुआ है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10^3 से मल्टीपल कर लेता हूं, ठीक है। तो इसको अपन बेटा सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आता है 1.09 इंटू 10^6 इंटू जूल, या फिर पुट कर सकते हैं 1.09 मेगा जूल, ठीक है। तो ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द स्मॉल डिफॉर्मेशन, छोटा विकार है, एक छोटे विकार के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है, देखिए स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है किसके बारे में बताता है, यंग मॉडुलस के बारे में बताता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, ठीक है। अगर ये विकार बड़ा हो तो अनुपात, यह विकार बड़ा हो तो अनुपात क्या होगा, देखिए अगर ये विकार हो तो अनुपात घटेगा, तो ऑप्शन 2nd विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, एन इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ अनस्ट्रेच लेंथ कैपिटल एल एंड फोर्स कॉन्स्टेंट के इज स्ट्रेच बाय स्मॉल लेंथ एक्स, ठीक है। देखिए एक प्रत्यास्थ डोरी जिसकी लंबाई कैपिटल एल है और इसका बल नियतांक के है, इसे एक्स लंबाई तक खींचा जाता है, तो बेटा एक्स लंबाई तक खींचने के लिए किया गया कार्य कितना हो गया, 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको वापिस वाई लंबाई तक और खींचा जाता है, तो वाई लंबाई तक खींचने में किया गया कार्य हो गया 1/2 k इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूसरे खिंचाव में किया गया कार्य कितना होगा, बेटा दूसरे खिंचाव में कार्य निकालना है तो मैं निकाल लेता हूं डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, ठीक है। ये टोटल कार्य था x प्लस वाई के लिए, ये x के लिए किया गया कार्य था, तो केवल सेकंड के लिए किया कार्य हो गया डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन, तो बेटा इसको अपन इसमें से माइनस करते हैं तो मेरे पास आंसर विल भी आएगा 1/2 ky इंटू 2x प्लस वाई, ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट, ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट इन 33। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, ए वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए इज गिवन, मटेरियल यंग्स मॉडुलस इज वाई, इफ द वायर इज स्ट्रेच बाय द अमाउंट ऑफ एक्स देन द वर्क डन इज, देखिए मेरे पास वर्क डन होता है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, अगर मैं एक्स स्ट्रेच तक वायर को अगर खींचा जाता है, एक्स लेंथ तक खींचा जाता है, तो वर्क डन होता है 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/2 देखिए k का वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं वाई इंटू ए बाई एल, देखिए ये वाले वैल्यू कैसे पुट किया मैंने, देखो तो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट से अपन पता है कि जो k का वैल्यू होता है कितना होता है पर न्यूट लेंथ का फोर्स, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं अपन वाई ए इंटू एल, कैलकुलेट कर लीजिए बेटे समझदार है आप, तो आंसर इसका होगा वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2l, ऑप्शन 1st विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, ए वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड ऑफ द एंड इज स्ट्रेच बाय अटैचिंग ए वेट ऑफ 200 न्यूटन टू द लोअर एंड, इफ द वेट स्ट्रेच द वायर बाय 1 mm द इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर इज, देखिए तो एनर्जी स्टोर्ड होगा 1/2 इंटू एफ एक्स, अगर मैं फोर्स का रिलेशन निकालना चाहूं तो स्टोर्ड एनर्जी होगा 1/2, फोर्स का वैल्यू कितना गिवन है 200, एक्स का वैल्यू कितना गिवन है 1 mm, इट मींस 1 × 10^-3, ठीक है। तो मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी कितना आएगा 0.1 जूल, तो ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट, ऑप्शन 4th विल बी करेक्ट इन 35। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 36, देखिए अपना स्टेज ए कंप्लीट हुआ, स्टेज ए के सभी 35 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टेज बी में क्वेश्चन नंबर 36 अपन देखते हैं। ए स्टील रिंग ऑफ रेडियस आर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए इज फिटेड ऑन ए वुडन डिस्क, देखिए और इसका रेडियस है कैपिटल आर। ये मेरे पास बेटा एक वुडन डिस्क है, इसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। इसके ऊपर एक स्टील रिंग, ये एक स्टील रिंग है, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, इसको फिट किया जाता है। ठीक है, इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील इज वाई, यंग मॉडुलस कितना है स्टील का, वाई है। ठीक है, देन द फोर्स विद विच द स्टील रिंग इज एक्सपेंड इज एक्स, देखिए यानी अगर मुझे स्टील रिंग को इस वुडन डिस्क के अंदर फिक्स करना है तो इसको कितना एक्सपेंड किया जाना चाहिए। देखिए सबसे पहले अगर मुझे इसको फिक्स करना है तो इसका रेडियस चेंज होगा, अगर ये एक्सपेंड करती है स्टील रिंग, फैलती है और इसको मुझे कैपिटल आर के अंदर फिट करना है तो ये स्प्रिंग एक्सपेंड होगी, तो इसके अंदर बेटा कितना इसके अंदर कितना स्ट्रेन आएगा, तो इसका स्ट्रेन होगा, मैं यहां लिख देता हूं, स्ट्रेन इज इक्वल टू आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर। देखिए बेटा अगर इसका स्टील रिंग का इनिशियल रेडियस स्मॉल आर है, अगर इसको एक्सपेंड करके अपन कैपिटल आर तक बनाना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे इसको फिट करना है वुडन डिस्क के अंदर, तो बेटा चेंज इन रेडियस आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, ये इसके अंदर विकृति आएगी, आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। अगर मुझे इसका स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, तो स्ट्रेस होता है स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस, देखिए तो आर माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू, इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं यंग मॉडुलस वाई के साथ में, तो बेटा ये क्या आ गया मेरे पास, स्ट्रेस। अब मुझे इसका अगर फोर्स निकालना है तो देखिए मैं क्या करूंगा, स्ट्रेस को अगर अपन एरिया से मल्टीपल कर दें तो मेरे पास क्या जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ऑप्शन देखेंगे कौन सा मैच कर रहा है, आर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर वाई इंटू ए, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट इन 35, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड एल इज डिप इन ए लिक्विड ऑन टेकिंग आउट ए मेम्ब्रेन इज फॉर्म, इफ द सर्फेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज कैपिटल टी द फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम विल बी, देखिए मुझे आरोपित बल का मान निकालना है। ठीक है, देखिए बल मेरे पास कितना होगा 2t इंटू, और जो आयताकार फ्रेम है वो कितना है 4l। ठीक है, फोर्स मेरे पास कितना होगा, टेंशन फोर्स, देखिए जो मेरे पास वर्गाकार फ्रेम है इसके लिए टेंशन होगा 2t और इसके लेंथ होगी इतनी वर्गाकार की 4l, तो कितना होगा 8tl, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 38, ए रोड ऑफ लेंथ स्मॉल n एंड रेडियस स्मॉल r इज जॉइंड टू ए रॉड ऑफ लेंथ l by 2 एंड रेडियस r by 2 ऑफ सेम मटेरियल, द फ्री एंड ऑफ स्मॉल रॉड इज फिक्स्ड ऑन ए रिजिड बेस एंड द फ्री एंड ऑफ द लार्जर रॉड इज गिवन ए ट्विस्ट ऑफ थीटा डिग्री, द ट्विस्ट एंगल एट द जॉइंट विल बी x। देखिए मेरे पास एक रॉड दी है, ठीक है, ठीक है, इसका लेंथ मैं मान लेता हूं l और इसका रेडियस है मेरे पास स्मॉल r, ठीक हो, इसको सेम मटेरियल की दूसरी लेंथ जिसकी लेंथ है l, सेम मटेरियल की जिसका लेंथ है l by 2 और इसका रेडियस है r by 2 के साथ में फिक्स किया जाता है। ठीक है, अब इसको एक रिजिड बेस से फिक्स कर दिया जाता है, मैं मान के चलता हूं, अच्छा इसके अगर अपन किसी एंगल से इसको ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो ये मान के चलते हैं इसके अंदर एंगल थीटा 2 है तो ये थीटा 1 एंगल से घूमेगा, तो बेटा इसमें नेट थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा जो टोटल झुकाव कोण आएगा वो कितना आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है, अब देखिए मुझे पता है, मान के चलो इसको घुमाने के अंदर जो टॉर्क लग रहा है वो टाउ है, तो मुझे पता है बेटा फोर्स इज इक्वल टू होगा टाउ अपॉन थीटा। ठीक है, अब देखिए जो इस फोर्स का वैल्यू होता है वो रेडियस और लेंथ के साथ में क्या होता है, इस प्रोपोर्शनल टू होता है आर के पावर 4 अपॉन एल, ये रिलेशन होता है टाउ अपॉन थीटा का रेडियस और लेंथ के साथ में। अब देखिए मैं देखता हूं जब मेरे पास ये थीटा 1 एंगल है तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 इसके लिए वैल्यू कितना होगा, थीटा 1 के लिए मेरे पास लेंथ है एल बाई 2 और इसका रेडियस है मेरे पास आर बाई 2 तो आर बाई 2 की पावर होल पावर 4, थीटा 2 के लिए लेंथ कितना है एल और रेडियस है मेरे पास आर तो आर की पावर 4। इस तरह से थीटा 1 और थीटा 2 का अपन रेशियो निकालते हैं
तो थीटा वन इज टू थीटा टू का वैल्यू आता है 8/1। ठीक है, अब देखिए बेटा टोटल एंगल मेरे पास थीटा कितना होगा, तो थीटा अगर निकालना चाहूं थीटा कितना होगा, 1 + 8 = 9। ठीक है, 9। तो बेटा थीटा वन का वैल्यू कितना होगा, थीटा वन विल बी 8/9 × थीटा। तो ऑप्शन, ठीक है समझ में आया होगा आपको, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट इन द 38। नेक्स्ट 39, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो एंड दैट ऑफ वॉटर इज सिग्मा। ठीक है, आइस के लिए अगर बात करूं, आइस के लिए डेंसिटी कितना है बेटा, रो गिवन है। ठीक है, तो इस आइस का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ आइस इज इक्वल टू एम अपॉन डेंसिटी कितना है इसका, सिग्मा। ठीक है, सॉरी मैं फिर से रिपीट करता हूं, डेंसिटी ऑफ आइस इज रो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ आइस विल बी, इसका मास मानते हैं अपन कैपिटल एम और इसकी डेंसिटी गिवन है रो। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एम अपॉन सिग्मा। ठीक है, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन ए मास कैपिटल एम ऑफ आइस मेल्ट्स। देखिए अगर बर्फ पिघलती है तो बर्फ के पिघलने पर इसके आयतन में कितनी कमी होगी। ठीक है, अब बेटा देखिए कितना कम हो रहा है, स्टार्टिंग में इसका बर्फ का आयतन इतना है, पिघलने के बाद कुछ भाग इसका पिघलता है और पिघल का क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, तो इसके वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, तो चेंज इन वॉल्यूम हुआ बेटा वॉल्यूम इन आइस माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉटर, वैल्यू होगा एम बाई रो माइनस एम बाई सिग्मा। तो वैल्यू आया इसका, एम कॉमन लिया, 1/ρ - 1/σ। ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन 39। नेक्स्ट, ए मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज टैप रीड्स 3.5 × 10^5 Nm²। ठीक है, ये इनिशियल प्रेशर है और लास्ट जो फाइनल प्रेशर है ये गिवन है। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर इज, एक बंद टेप जो मैनोमीटर से जुड़ा हुआ है, इसका इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का वैल्यू गिवन है, तो मेरे पास पानी का वेलोसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। देखिए बेटा, तो चेंज इन प्रेशर डेल पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो प्रेशर में कितना चेंज आ रहा है बेटा, 3.5 माइनस करेंगे अपन तो कितना आएगा, 0.5 × 10^5 × Nm²। इस प्रेशर में से ये वाला प्रेशर मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया चेंज इन प्रेशर। अब चेंज इन प्रेशर हाफ, इसको किसके इक्वल पुट करता हूं मैं, पानी का प्रवाह वेग, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। ठीक है, 1/2 रो का वैल्यू पुट करते हैं, डेंसिटी 1000 × V² = 0.5 × 10^5। ठीक है, अब देखिए तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करते हैं, तो पानी का वेग कितना आता है, देखिए कैलकुलेट करते हैं अपन, 10^3 है यहाँ जाता है, कितना होगा बेटा ये, V² = 1 × 10^2। ठीक है, तो बेटा V का वैल्यू कितना आएगा, 10 m/s। ठीक है ना, तो V का वैल्यू कितना आता है, 10 m/s। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में गिवन है, ए यूनिफॉर्म मेटल रोड इज यूज्ड एज ए बार पेंडुलम। ठीक है, इफ द रूम टेम्परेचर राइज बाय 10 °C एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल ऑफ द रोड इज गिवन दिस, द पीरियड ऑफ द पेंडुलम विल बी परसेंटेज इंक्रीज ऑफ। देखिए किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है T = 2π/√L/g। अगर पेंडुलम के टाइम पीरियड में मुझे चेंज करना है तो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करेगा Δt/T × 100। ठीक है, परसेंटेज चेंज कितना होगा, 1/2 Δl/L × 100। ठीक है, ये इसका लेंथ के साथ में चेंज होगा। अब मुझे पता है जब किसी भी रॉड को गर्म करते हैं और उसमें लीनियर एक्सपेंशन होता है, तो लीनियर एक्सपेंशन होने की वजह से उसमें डेल एल अपॉन एल का वैल्यू कितना होता है, α × Δt। ठीक है, अब देखिए Δt अपॉन टी
इंटू 100 इज इक्वल टू, यहां पर इस डेल एल अपॉन एल का वैल्यू यहां पुट करते हैं अपन, कितना आएगा 1/2 अल्फा इंटू डेल टी इंटू 100। ठीक है, अब देखिए मेरे पास वैल्यू गिवन है 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, अल्फा का वैल्यू गिवन है मेरे पास दिस 2 × 10⁻⁶। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 10 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू पुट करेंगे 10 × 100। तो इस तरह से अपन चेंज करेंगे तो मेरे पास आवर्त काल में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो कितना आएगा 1 × 10⁻³। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 41 में ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 42, द कॉफिशियंट ऑफ द अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड व्हेन द डिटरमाइन यूजिंग टू डिफरेंट वेसल्स ए एंड बी आर गामा वन एंड गामा टू रेस्पेक्टिवली। देखिए, इफ द कॉफिशियंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ वेसल ए इज अल्फा एंड द कॉफिशियंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वेसल बी इज विल बी। ठीक है, एक द्रव का जो आभासी प्रसार गुणांक है अलग अलग पात्रों में ए और बी में ज्ञात किया जाता है, पात्र ए के लिए और बी के लिए आभासी प्रसार गुणांक गामा वन और गामा टू है। ठीक है, पात्र ए का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा वन है तो पात्र पी का रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा। देखिए, आभासी प्रसार गुणांक गामा वन इज इक्वल टू होता है गामा एल माइनस 3 अल्फा, ये हो गया पात्र ए के लिए। पात्र पी के लिए आभासी प्रसार गुणांक गामा टू होगा गामा एल माइनस 3 अल्फा डैश। ठीक है बेटा, अब इस गामा एल का वैल्यू मैं फाइंड आउट करता हूं, कितना आया गामा एल का वैल्यू, गामा एल इज इक्वल टू गामा वन प्लस 3 अल्फा। ठीक है, इस गामा एल का वैल्यू मैं पुट करता हूं यहां पर गामा टू के अंदर। ठीक है, इस वैल्यू को अपन यहां पुट करते हैं इस गामा एल के अंदर, तो बेटा गामा टू विल इक्वल टू गामा वन प्लस 3 अल्फा, ये अल्फा ठीक है माइनस का 3 अल्फा डैश। तो इस तरह से बेटा अपन ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अल्फा डैश की, तो अल्फा डैश का वैल्यू आएगा बेटा गामा वन माइनस गामा टू अपॉन 3 प्लस अल्फा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, बेटा मेरे पास एक गिवन है, दो फ्लास्क गिवन है और इस फ्लास्क में बताया गया है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फ्लास्क ए का जो वॉल्यूम है ये डबल है फ्लास्क सेकंड से, इनका टेम्परेचर गिवन है। यदि इन गैसों में एक यदि गैस एक का द्रव्यमान स्मॉल एम है तो सेकंड के अंदर जो गैस भरी है उसका द्रव्यमान कितना होगा। देखिए, मैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से लिखता हूं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या स्मॉल एन को लिख सकते हैं स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आरटी। ठीक है, तो बेटा देखिए यहां भी लिख लेता हूं मैं, पीवी इज इक्वल टू इसका मास मान लेता हूं एम डैश अपॉन कैपिटल एम इंटू आरटी। ठीक है, प्रेशर पी है दोनों का, इसका वॉल्यूम जस्ट डबल है स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू आर, टी का वैल्यू गिवन है बेटा 100। ठीक है, इस वाले में पी प्रेशर है, वॉल्यूम वी है इसका, एम डैश मुझे निकालना है कैपिटल एम इंटू आर इंटू टेम्परेचर यहाँ का कितना है 200। इन दोनों इक्वेशंस को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एम डैश का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा m/4 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, बिल्कुल सिंपल है, आइडियल गैस इक्वेशन लगाई है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, 44, द टेम्परेचर एट विच द एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलेरेशन फ्रॉम द रेस्ट टू द पोटेंशियल ऑफ गिवन दिस। ठीक है, तो वो टेम्परेचर मुझे फाइंड आउट करना है। देखिए बेटा, मुझे पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3/2 kT। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और टेम्परेचर के साथ रिलेशन मैं निकालना चाह रहा हूं, पोटेंशियल का इस एनर्जी के साथ में टेम्परेचर के साथ में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ इज इक्वल टू 3/2 k बोल्स कॉन्स्टेंट 1.38 × 10⁻²³⁰ × t। इस तरह से अपन t का जो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो t का वैल्यू अपने पास कितना आएगा 7.7 × 10³ kelvin। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट।
ऑप्शन फोर्थ विल बी करेक्ट इन 44। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 डिस्कस करेंगे हम। एन आइडियल गैस इज मेड टू गो थ्रू ए साइक्लिक थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस, मेरे पास गिवन है और इनकी जो हीट गिवन है Q1, Q2, Q3 एंड Q4 गिवन है, द करस्पॉन्डिंग इन्हीं के करस्पॉन्ड जो वर्क है W1, W2, W3 एंड W4 आर गिवन। देखिए आइडियल गैस प्रोसेस है और ये कौन सा प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डेल क्यू बराबर कितना होता है, डेल डब्ल्यू के होता है, ठीक है। तो मेरे पास जितना भी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 सारी जो टोटल एनर्जी गिवन है इक्वल टू होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 के, ठीक है। बेटा जितना भी गिवन है मेरे पास, मैं एल्जेब्रिक सम कर लेता हूं सभी का, 600 माइनस का 400, ठीक है। Q3 गिवन है मेरे पास माइनस 300 एंड Q4 इज प्लस 200 इज इक्वल टू W1 गिवन है मेरे पास 300 माइनस 200 माइनस का 150 प्लस W4। तो इस तरह से जो W4 का वैल्यू आएगा मेरे पास 150 जूल आएगा। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन 45। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि सौर निकाय में पृथ्वी और सूर्य को सम्मिलित करते हुए सूर्य को अपन एक सोर्स माना और इसका जो टेम्परेचर है सोर्स का 6000 केल्विन है और अर्थ को मैंने एज ए सिंक बिहेव किया और इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इसकी दक्षता क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1, ठीक है। तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 का वैल्यू कितना गिवन है, 300 अपॉन 6000, ठीक है। तो इस तरह से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो ईटा का वैल्यू आएगा मेरे पास 0.95, ठीक है, या फिर इसका वैल्यू आता मेरे पास 19/20, तो परसेंटेज चेंज होगा 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 47, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी गिवन है मेरे पास ईटा इज इक्वल टू 1/10। यदि यह एक प्रशीतक की तरह काम में लिया जाए तो किया गया कार्य कितना है बेटा, W इज इक्वल टू 10 जूल, ठीक है। तो सिंक से अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, देखिए बेटा मुझे पता है निष्पादन गुणांक बीटा इज इक्वल टू होता है मेरे पास Q2 अपॉन W, या एफिशिएंसी के टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये होता है मेरे पास 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ठीक है। तो अब देखिए मेरे पास कितना वैल्यू गिवन है, Q2 मुझे निकालना है, वर्क डन है मेरे पास 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10। इस तरह से बेटा अपन जो वैल्यू सॉल्व करेंगे इसका Q2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 अपॉन 1 अपॉन 10। तो बेटा Q2 का वैल्यू कितना आएगा मेरे पास, 90 जूल। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 47, बाय सकिंग थ्रू ए स्ट्रॉ स्टूडेंट कैन रिड्यूस द प्रेशर इन हिज लंग्स टू 750 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। यूजिंग द स्ट्रॉ ही कैन ड्रिंक द वॉटर फ्रॉम द ग्लास अप टू द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ, देखिए एक स्टूडेंट किसी नली के माध्यम से, किसी पाइप के माध्यम से और किसी द्रव को साथ चूसते हुए अपने फेफड़ों को जो दाब है 750 mm तक कम कर सकता है, ठीक है। अब यदि नलिका का प्रयोग करते हुए ये छात्र पानी पिए तो ये कितनी गहराई तक पानी को खींच सकता है, देखिए मुझे पता है मरकरी का जो प्रेशर होता है वो 760 mm ऑफ मरकरी के लिए होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मरकरी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है बेटा। तो ये मरकरी के लिए 760 mm मरकरी होता है, 760 mm ऑफ मरकरी, ठीक है, और ये खींच पा रहा है कितना, 750 mm, ठीक है। तो बेटा मरकरी के लिए इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, 10 mm का डिफरेंस आ रहा है, या इसको अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं कितना आएगा, 1 cm आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब ये वाटर खींचता है, अगर ये वाटर को खींचना चाहे तो वाटर को कितनी गहराई तक खींच सकता है, तो देखिए प्रेशर ऑफ वाटर कितना होगा, रो जी एच, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू एच। देखिए बेटा डेंसिटी ऑफ मरकरी इज गिवन 13.6, जी कैंसिल हो जाएगा और एच कितना आ रहा है इसके लिए 10। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एच के वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, तो
एच का वैल्यू कितना होगा, 13 पॉइंट, सॉरी ये वैल्यू 1 आया मेरे पास 1 सेंटीमीटर, तो एच का वैल्यू 1 होगा मरकरी के लिए, तो मेरे पास जो वैल्यू गिवन आएगा 13.6 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट इन 48। नेक्स्ट 49, द एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड वेट डब्ल्यू इज अटैच्ड रिगिडली टू ए पॉइंट इन द रूफ एंड द वेट डब्ल्यू वन इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स लोअर एंड, इफ एस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, द स्ट्रेस इन द वायर एट द हाइट 3L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड। देखिए बेटा, मुझे एक एल लंबाई का तार है, इस पर डब्ल्यू भार के कारण किसी छत के एक बिंदु से दृढ़तापूर्वक बांधा गया है, डब्ल्यू भार एक बांधा गया है, ठीक है, डब्ल्यू वन इसके निचले सिरे पर लटका दिया गया है, डब्ल्यू इसका खुद का भार है, एल इसकी लंबाई है। यदि तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एस है, तो तार के निचले सिरे से 3L/4 दूरी पर ये इसका प्रतिबल कितना होगा। देखिए बेटा, प्रतिबल का मेरे पास फॉर्मूला होता है F/A, ठीक है। अब बेटा, इस पर टोटल फोर्स कितना लगाया जा रहा है, देखिए डब्ल्यू वन भार जो लटकाया जा रहा है तार के कारण वो हो गया, अब मुझे इसके 3L/4 डिस्टेंस पर, 3L/4 डिस्टेंस पर प्रतिबल निकालना है, तो मेरे पास वेट के कारण जो भार लगेगा 3L/4 पे 3/4 इंटू डब्ल्यू लगेगा, ठीक है, तो नेट फोर्स हो गया डब्ल्यू वन जो लटकाया गया है, और 3/4 एल डिस्टेंस पे कितना हो गया 3/4 इंटू डब्ल्यू अपॉन एरिया कितना गिवन है एस, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट प्रतिबल के लिए। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन द प्रेशर ऑन ए फ्लूइड इज चेंज्ड फ्रॉम दिस टू दिस, अगर प्रेशर ये चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज बाय 10%, द बल्क मॉडुलस ऑफ द फ्लूइड इज, देखिए बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू हो चाहे चेंज इन प्रेशर अपॉन स्ट्रेन, ठीक है, अब वॉल्यूम में देखिए प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है बेटा, 1.165 माइनस 1.01 इंटू 10^5 अपॉन वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है 10%, इसको मैं लिख सकता हूं 0.1, कितना है बेटा ये आया 0.155 इंटू 10^5 अपॉन 0.1, 0.1 से डिवाइड करा तो मेरे पास बल्क मॉडुलस बी का जो वैल्यू आया कितना आ गया 1.55 इंटू 10^5, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट इन 50। तो स्टूडेंट्स, अपने सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।